तरह से इसकी शुरुआत हुई, कैसे आपके मन में आया? ये भैया बहुत गंभीर समस्या है और इससे मैं ही नहीं या समाज नहीं, पूरा हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जूझ रहा है। सड़क की हालत इतनी ख़राब है कि आए दिन लोग वहाँ एक्सीडेंट से मौतें हो रही हैं और ये बहुत बहुत गंभीर समस्या है। इसको बिल्कुल चिंतनीय हो के करना चाहिए इस विषय पे, और इसीलिए माता से हमने प्रार्थना किया एक भजन के माध्यम से कि वो पुकार वहाँ तक पहुँचे और इसका निर्माण हो। क्या आपको लगता है कि सरकार काम नहीं कर पा रही है सड़कों को लेकर, जिस तरह से स्थितियाँ हैं, लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, पीड़ा लोगों की तरफ सरकार तक पहुँचती नहीं? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के बाद अगर एक सही से अगर दुल्हन की तरह सजाना चाहिए सड़कों को बना के, तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज खुद वो आएँ देखें, रायगढ़ से लेके जसपुर, धर्मजगढ़, आपका पत्थलगांव साइड इतने गंदे हैं कि दहशत गर्दी होता है उस रोड में जाने का। तो बहुत गंभीर समस्या है, उस गंभीर समस्या को लेके हमने एक प्रयास किया है। कैसे आपके पास ये जल्दी पहुंचा, कैसे भी आपकी? ये हमारा एक रायगढ़ का ही बहुत होनहार राइटर बबली वर्मा जी हैं और उन्होंने लिखा है, और भवानी शंकर गुरु जी ने संगीत हम सब ने मिलकर बनाया है, और आदित्य जी इसका वीडियोग्राफी किया। बहुत सब लोगों ने दिल से काम किया और वही कारण है कि सब लोगों के दिल तक पहुंच रहा है। कुछ घंटों में ही बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं। जी जी, लगता है कि इस प्रकृति कैसा लगता है? ये माता का आशीर्वाद है और मैं तो बोलता हूँ कि उन्हीं का आशीर्वाद, और वो वही बनवाई हैं, वो खुद परेशान हैं कि मेरे भक्त मेरे पास। अगर सही में आप देखेंगे तो जैसे कई लोग नवरात्र में पद यात्रा करते हैं, कर नापते जाते हैं, वो तो जा ही नहीं पाएंगे भैया, कहाँ से जा पाएंगे, उनका तो पैर हाथ प्राण छूट जाएंगे उनका। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं किए हैं, ये माई करवाई है। उम्मीद है आपको इसके बाद सरकार की खुलेगी? बिल्कुल बिल्कुल खुलेगी, और 100% खुलेगी, और माता जरूर अपने उस सड़क का और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की सड़क का निर्माण करेगी। पूरे प्रदेश में बहुत ही ख़राब है, और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण और कुप्रबंधन के कारण, ट्रांसफ़र तबादला उद्योग के कारण इन किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। और आज हर कोई ट्रांसपोर्ट करने वाला, बिजनेस करने वाला, ट्रैवलिंग करने वाला, स्कूल जाने वाला, अस्पताल जाने वाला, सब लोग तो त्रस्त हैं ही। अभी नवरात्रि के समय पे दिखाई दे रहा है कि जो श्रद्धालु हैं वो भी प्रभावित हैं। मंदिरों में, माता के दरबार में जाने वाले लोगों की संख्या घटकर एक तिहाई, एक चौथाई रह गई है बहुत सारे जगहों पर, खराब सड़क के कारण। और हमारे छत्तीसगढ़ में परंपरा है कर नापने की, अर्थात अपने शरीर को पूरा लेटाते हुए माता के दरबार तक जाने की, तो सड़कों की जो दशा है उसमें कर नापना भी दुभर हो गया है। इसी को बड़े भावनात्मक ढंग से रायगढ़ के प्रसिद्ध कलाकार राकेश शर्मा जी ने गैर राजनीतिक ढंग से, बिना किसी पार्टी को आक्षेपित किए हुए, एक जस गीत के रूप में, एक धार्मिक ढंग से उन्होंने व्यक्त किया है। उसको एक कलाकार की सकारात्मक आलोचना के रूप में, हमको एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के रूप में लेना चाहिए। इस सरकार को तत्काल पूरे प्रदेश की सड़कों को ठीक करना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक कलाकार की भावना, एक कवि होता है, एक कलाकार होता है, उस सिस्टम की आलोचना सकारात्मक ढंग से, क्रिएटिव ढंग से करता है, उसको हम सबको अप्रिसिएट करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। और रायगढ़ के कलाकार राकेश शर्मा जी ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए बड़े भावनात्मक और मार्मिक ढंग से इसे अभिव्यक्त किया है, इसलिए उसे मैंने अपने फेसबुक पेज पे, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, सब जगह शेयर किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।